नमस्ते, मैं जीना, हिंदी अध्यापिका। आप सबको श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल गुरुवायूर ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत करती हूँ। आज हम साहूकार पक्षी पाड़ी के अगले अंश पढ़ेंगे। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट साहूकार पक्षी मनी लेंडर बर्ड्स। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, सभी उंगलियां एक समान नहीं होती, यानी सभी प्राणी एक समान नहीं होते, सब इंसान एक समान नहीं है। इसी प्रकार सब पक्षी भी एक समान नहीं है। As you know, the fingers on the hand are not alike. The birds in the nature are different. कई प्रकार के बेईमान पक्षियों में एक ईमानदार पक्षी भी है। यह अपने कर्जदार से कोई ब्याज नहीं लेता। यह पक्षी है मुर्गा। लेन देन के मामले में यह पूरी ईमानदारी का पालन करता है। भले ही मुर्गा केवल एक दिन के लिए उधार देता है, लेकिन भूखे पक्षी की मदद तो कर ही देता है। Each bird has its unique features, but all birds are not dishonest. Some birds, like cock, are very honest. यदि मुर्गे को अपना उधार वापस न मिले तो गुस्सा इसे भी आता है। तब यह धमकी भी देता है और अपनी तीखी चोंच से लड़ता भी है ना न्याय की बात। The cock helps the hungry birds, but it expects the same from them. It gets angry if they don't help it back and even attack them. Children, do you think that this is fair? पाठ के आरंभ में बताया गया है कि कुछ पक्षी हिसाब किताब भी देखते हैं। कटफोड़वा इसी प्रकार का पक्षी है। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी फाउंड दैट सम बर्ड्स कीप द रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स दे लर्न। वुडपेकर इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ बर्ड्स। ये लकड़ी या किसी पेड़ पर रह गए गुर्जकर लिखित हिसाब देखता है। यह 15 दिन से अधिक का उधार नहीं देते है पके में। लेन देन तो आप भी करते होंगे। अब यह सोचना आपका काम है कि आप किस पक्षी की तरह लेन देन करना पसंद करेगा। It keeps a note of things they have learned by scratching lines on the bark of the tree. It never keeps the debt more than 15 days. That's a perfect accountant, isn't it, children? Shardhad, Murga, Cock, Katforva, Woodpecker, गुस्सा, एंग्री, मदद, हेल्प, शब्दार्थ, मुर्गा, कॉक, कट फोरवा, वुडपेकर, गुस्सा, एंग्री, मदद, हेल्प। लेट मी कंक्लूड टुडे सेशन। आई हैव अटैच्ड नोट्स एंड टेस्ट पेपर। Okay, see you in the next class. Bye.